नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की। किसान क्रांति के 20वें दिन क्या है दिल्ली बॉर्डर का हाल? किन किसान संगठनों ने किया कृषि कानूनों का समर्थन? किसान आंदोलन को लेकर क्यों आमने सामने है कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल? आप देखिए न्यूज टॉप 9 किसान क्रांति में। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को रोकने की किसी कोशिश को लेकर चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा है कि किसानों की ट्रॉलियों को अगर रोका जाएगा तो आगे रास्ता भी रोका जाएगा। हमें कुछ कहेंगे तो अब थानों में जानवर बंधेंगे। सोमवार को उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इन सभी संगठनों ने सरकार के कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि नया कानून किसानों के हित में है। हरियाणा और उत्तराखंड के किसान गुट कानून का पहले ही समर्थन जता चुके हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के बीजेपी सांसदों और विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानून का समर्थन जताया। सांसदों विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक के पानी विवाद को भी नरेंद्र सिंह तोमर से सुलझाने की अपील की। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने एक बार भरोसा जताया है कि कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे किसान जल्द सरकार के साथ बातचीत करेंगे और सब मिलजुल कर इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री और गृह मंत्री लगातार किसानों की मांग पर चर्चा कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली और पंजाब के सीएम के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। केजरीवाल ने अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने बेटे के ईडी केस के लिए केंद्र से समझौता कर लिया। वहीं अमरिंदर ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि हर पंजाबी जानता है कि वो ईडी या दूसरे मामलों से नहीं डरते। राजस्थान के शाहजहांपुर में किसानों के आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे और कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दिए। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक बलवंत पुनिया खाना बनाते नजर आए। हरियाणा बॉर्डर पर रोक की वजह से ये लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दिया है। उज्जैन में हो रहे किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे कमल पटेल ने कहा, अचानक नए किसान संगठन मशरूम की तरह उगाए हैं। ये देशद्रोही विदेशी शक्तियों पर पलने वाले किसान संगठन हैं। ऐसे लोगों को विपक्षी दल भी समर्थन दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आंदोलन में उपद्रवी शामिल होकर अपने हितों को साधने की कोशिश कर सकते हैं। लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए हैं। नेपाल की सीमा से सटे लखीमपुर खीरी में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को लेकर एक दिन उपवास के दौरान कल दिल्ली यूपी के बॉर्डर गाजीपुर पर गुरप्रीत सिंह नाम के किसान का करीब 1.5 लाख रुपए का फोन चोरी हो गया। यूपी के पूरणपुर के रहने वाले गुरप्रीत सिंह के पास आईफोन था। गुरप्रीत ने कहा, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से फोन लिया था, जिसे भी मिले वो वापस लौटा दे।